हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहार, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुनिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि। श्री दादा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त वृंदों की जय। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे गर्ग संहिता के सातवें अध्याय से
जो कि बलभद्र खंड है और इसका अंतिम खंड है। इसमें हमने रेवती की कथा सुनी थी। इससे पहले हमने भगवान कृष्ण और बलराम क्यों आए, ये दुर्योधन अपने गुरु से प्रश्न पूछ रहा था। उनके गुरु का नाम है प्रादविपाक, इसके बाद में कृष्ण बलराम के द्वारका में लीला। श्री प्रादिप मुनि कहते हैं, हे दुर्योधन, इस 8वें अध्याय में, ओ दुर्योधन, मैं अब कृष्ण बलराम का जो लीला है द्वारका में उसका संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। कंस को जो कृष्ण बलराम ने मार दिया था, उसका बदला लेने के लिए राजा जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण किया। उसी समय भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी का विश्वकर्मा से समुद्र में नगरी बनाई, जिससे द्वारका वासियों को बचाया जा सके, मथुरा वासियों को बचाया जा सके। और एक ही नाइट में कृष्ण ने सारे अपने संबंधियों को मथुरा से द्वारका में शिफ्ट कर दिया एक नाइट। उसके बाद मथुरा पे काली यवन का आक्रमण हुआ, कृष्ण ने उसको मार दिया। उसके बाद में काली यवन ने आक्रमण किया, कृष्ण ने उसको मुचिकंदे के द्वारा मरवाया। इसके बाद कृष्ण बलराम द्वारका गए और वहां पे परवर्षन पर्वत पर चढ़ के भगवान राजा रेवत जो वहां पर आया अपनी पुत्री रेवती के साथ में, और उसको बलराम जी को विवाह में दिया। ये सब करने के बाद राजा रेवत बद्रिकाश्रम चले गए पर तपस्या करने के लिए। इसके तुरंत पश्चात कृष्ण ने कुंदिनपुर को उसके बाद जो कृष्ण ने कुंदनपुर में यात्रा की रुक्मिणी को किडनैप करने के लिए, और लक्ष्मण और जामवती से विवाह करने के बाद कृष्ण ने भौमासुर का वध किया और 16 रानियों को उनसे छुड़ाया। इसके बाद रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को जन्म दिया और प्रद्युम्न ने विवाह करके अनिरुद्ध को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, जिसके बाद राजा उग्रसेन ने यह प्रपोज किया कि राजसूय यज्ञ किया जाए। प्रद्युम्न को उसका जिम्मेदारी दिया गया था सारी दिशाओं को जीतने के लिए और उनसे भेंट प्राप्त करने के लिए। जब सांबा को हस्तिनापुर में बंदी बना लिया गया, बलराम जी आए और उन्होंने पूरी हस्तिनापुर सिटी को
हल से उठा दिया और हिला दिया। इसके पश्चात उन्होंने यमुना को खींचा, अपने हल से खींचा। इसके पश्चात रुक्मणी ने प्रद्युम्न को जन्म दिया और प्रद्युम्न ने अनिरुद्ध का प्रद्युम्न का विवाह हुआ और उसने अनिरुद्ध को पुत्र के रूप में जन्म दिया। और इसके पश्चात जो है ये प्रपोज किया कि राजा उग्रसेन जो है राष्ट्र युद्ध करें और प्रद्युम्न को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। जब सांबा को हस्तिनापुर में बंदी बनाया गया तो बलराम आए और उन्होंने सारी सिटी को उखाड़ दिया और उसको गंगा में फेंकने को तैयार थे। उसके बाद उन्होंने यमुना को भी खींच लिया और उस यमुना में गोपियों के साथ में, उनकी जो गोपियां थे उसके साथ में उन्होंने जल क्रीड़ा का आनंद लिया। उसी के पश्चात द्विविध वानर जो है वो बलराम जी की लीलाओं को डिस्टर्ब करने आया, भगवान ने उसको अपने पावरफुल मुक्कों से उसको मार दिया। उसके कुछ समय पश्चात जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ भगवान बलराम जो है तीर्थ यात्रा पर चले गए, वो किसी भी प्रकार की कंफ्लिक्ट में किसी भी प्रकार का वार में द्वंद में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे। तीर्थ यात्रा में भगवान नरसिंह नैमी शरण में आए और वहाँ पर शौनक और सारे ऋषि जो है उनके सम्मान में खड़े हुए हैं, बट रोम हर्षन जो है वो बहुत अभिमानी आपको आपको फील कर रहा था, वो प्रणाम नहीं कर पाया। ये देख के बलदेव ने उनको मार दिया अपने कुछ घास के इनके से। नैमी शरण में निवास कर समय बलदेव ने बलवल असुर को मारा और नैमिषारण्य को छोड़ के भगवान बलराम अनेक पवित्र स्थानों पर गए और फाइनली कुरुक्षेत्र में आए जहाँ पे वो दुर्योधन से मिले, मतलब तुमसे मिले। हे दुर्योधन, अब मैंने तुमको इस प्रकार से कृष्ण बलराम की लीलाओं का श्रवण सुनाया और तुम क्या सुनना चाहते हो। नौवें अध्याय में बलराम जी का रास डांस जो है, बलराम जी की रास लीला का वर्णन आता है। दुर्योधन कहता है, हे संतों में, साधुओं में, मुनियों में, सिंह भगवान बलराम ने कब रास लीला का आनंद लिया यमुना के किनारे उन गोपियों के साथ जो पूर्व जन्म में नाग कन्याएं थी। प्रविदिका मुनि कहते हैं, एक दिन अपने भक्त को देखने की इच्छा से भगवान बलराम अपने रथ पर सवार होकर जिसके ऊपर पाम ट्री का या ताल के वृक्ष का ध्वज लगा हुआ है, उन्होंने द्वारका से निकले और गोपियों को देखने के लिए, गोपों को देखने के लिए, गायों को देखने के लिए गोकुल चले गए। यशोदा और नंद महाराज को वहाँ के जाके उन्होंने गले लगाया और वहाँ पर पहुँचे। बाद में वो गोप और गोपियों से मिले और 2 महीने तक वहाँ पर रहे। इस प्रकार जो पहले डिस्क्राइब किया गया नाग कन्या थी वह भी गोपियां हो गई और भगवान बलराम का संग पाने के लिए गर्म होने की सलाह पर वो भगवान बलराम के लिए 5 विधि से उन्होंने पूजा की।
इस प्रकार से वे पूर्ण हो गए, सिद्ध हो गई। बलराम जी प्रसन्न होके उन्होंने उन गोपियों के साथ में रास डांस किया क्षेत्र मंथ के चंद्र पूर्णिमा में। उस समय जब चंद्रमा जो है पूरे वृंदावन को लाल रंग से कर देता है, शीतल जेंटल डिलाइट पराक रंग से भरी हुई ठंडी हवाएं उस समय जब ब्रज की भूमि है बहुत शानदार हो गई, उसके बहुत से वनों में कुंज और आंगन जो है सुगंधित पराग कणों से भर गए और खिले हुए पुष्पों से और कोयल की कुकु की आवाज से और मयूर की आवाज से और भंवरे की आवाज से वो पूरा वृंदावन शोभा पा रहा था। भगवान अपने ब्लू गार्मेंट में थे और सुसज्जित थे। उन्होंने हार पहना था, वो स्वर्ण का हार पहना था दूसरे बेल्ट से क्राउन से, और उनकी जो आंखें थी वो कमल के पत्तों से सुसज्जित थी। भगवान बलराम बहुत शानदार लग रहे थे गोपियों के साथ में रास डांस में। वो कुबेर के समान लग रहे थे जो बहुत सारे यक्षों से घिरा हुआ, यक्षियों से घिरा हुआ। तब वरुण को द्वारा, देवता वरुण को द्वारा भेजी गई वारुणी देवी हनी के रूप में, जो पेड़ों से निकलती है हनी के रूप में, शहद के रूप में, और भंवरों के हमिंग से और फ्लावर की सेंट से सारा पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। उस हनी को पीने की उत्सुकता से उनकी आंखें जो लाल कमल के समान हो गई, उनके जो अंग हैं कमजोर हो गए। वो जब आनंद लीला का आनंद ले रहे थे, पसीना उनके थकान से बह रहा था उनके गालों पर, और इस प्रकार से वो एक मदमस्त हाथी की तरह बलराम जी चल रहे थे। उनकी भुजाएं हाथियों के सूंड के समान लग रही थी और ऐसा लग रहा था मदमस्त हो कि वह सिंहासन में बैठे हुए अपने हल को छोड़ दिया था। उनका गदा वो अभी भी उनके हाथ में था और वो 10 करोड़ या 1 करोड़ चंद्रमा के समान सुंदर लग रहे थे। उनके जो रत्न जटित
पैरों में एंकलेट्स थे, एंकल में ब्रेसलेट्स थे और दूसरे आना में से वो शोभा पा रहे थे। उनके गोल्डन ईयरिंग, नेकलेस, फिंगर रिंग्स और ज्वेलरी क्राउन ग्लिटरिंग सुंदर गोपियों से सुसज्जित थी। उसके चिक्स जो थे उनके गाल थे जो सुंदर पिक्चर से थे, डिजाइन बना हुआ था। उन गोपियों का काली चोटी थी, वो सुंदर सर्प कन्या को भी मात कर रही थी। भगवान बलराम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो जगत के स्वामी है, बहुत ऐश्वर्य के साथ चमक रहे थे और उन्होंने इस प्रकार से आध्यात्मिक लीलाओं का आनंद पाया। उनका जो कमल जैसा मुखमंडल था वो उनका जो मुखमंडल था वो पसीने से कवर था और यमुना के किनारे से घूमने से उनकी थकान और भी बढ़ गई थी, जिससे पसीना आ रहा था और उस प्रकार से कई लीला कर रहे थे। भगवान बलराम ने उसी समय यमुना को कहा यहाँ आ जाए, जिससे वो स्नान कर सके और जल क्रीड़ा कर सके। जब यमुना नहीं आई, भगवान बलराम क्रोधित हो गए और अपने हल से उसको यमुना को खींच लिया। भगवान बलराम कहते हैं, आज तुम्हारे लिए, तुम्हारा मेरे लिए सम्मान नहीं है। मैंने तुमको बुलाया, फिर भी तुमने मेरे आदेश को उल्लंघन किया और अपनी तरफ से चली गई। अब मैं तुमको 100 छोटी छोटी धाराओं में डिवाइड कर दूंगा। श्री पराद्वीप का मुनि कहते हैं इन शब्दों से, इन शब्दों से डरते हुए और अभी बहुत भयभीत होते हुए यमुना बलराम के सामने आई और उनके चरणों में गिर पड़ी। और बोलती राम राम शंकरषण बलभद्र, बलराम को राम भी बोलते हैं, हे शक्तिशाली शक्तिशाली भुजाओं वाले, मैं आपकी शक्ति को नहीं जानती थी। सारा पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी एक मस्टर्ड सीड के समान आपके सिर पर रखी हुई है। ये आपके लिए उचित होगा, आप मुझे मुक्त कर दें, छोड़ दें। मैं आपको शरण में नहीं पाई, मैं आपको जानती नहीं थी आपकी महिमा। अब मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप हमें अपने भक्तों के प्रति हमेशा स्नेही रहते हैं। इस प्रकार से करके भगवान बलराम ने यमुना को रिलीज कर दिया। और उसके बाद में यमुना के जल में उन्होंने जल क्रीड़ा की, जैसे एक हाथी जो है अपनी कई हाथीनियों के साथ जल क्रीड़ा करता है। जब वो किनारे पर आए, यमुना उनके पास गई और उनमें कई उपहार दिए, उसमें उनके नीले वस्त्र भी थे
और कई गोल्ड और ज्वेलरी दिया। भगवान बलराम ने उस गिफ्ट को सारे को गोप कन्याओं में डिवाइड कर दिया, हर गोपी को दिया। तब उन्होंने उनमें से एक ब्लू गार्मेंट जो नीले वस्त्र थे उसमें रख के अपने आप को सजाया गोल्ड के नेकलेस से और 9 प्रकार के ज्वेलरी से। और उसके बाद फिर उन्होंने गोपियों के साथ में आनंद लिया, जैसे हाथी जो हथिनियों के साथ आनंद लेता है। कौरवों के राजा दुर्योधन, इस प्रकार से भगवान बलराम जो यादवों के यदुवंशियों के राजा हैं, उन्होंने अपना बसंत का समय रात्रि उन गोपियों के साथ बिताई। आज भी यमुना कई भागों में धाराओं में बहती है उस प्लेस पर, ये उनकी शक्ति का प्रमाण है। उनकी शक्ति जो है हाथियों के झुंड जैसी है। भगवान बलराम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो व्यक्ति इन लीलाओं को सुनता है वो अपने पापों को नष्ट करता है और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है। और तुम क्या सुनना चाहते हो? इस 9वें अध्याय के बाद 10वां अध्याय शुरू करते हैं हम। पद्धति एंड पतल ऑफ बलराम, बलराम के पद्धति और पतल। दुर्योधन कहते हैं, हे स्वामी, दुर्योधन सुन रहे हैं अपने गुरु से, स्वामी आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझे ये बताइए कि गर्ग मुनि ने गोपियों को क्या कहा, भगवान की जो बलराम जी की जो 5 प्रकार से पूजा की जाती है उसके बारे में गोपियों को क्या कहा गर्ग मुनि। प्राद्विपक मुनि कहते हैं, हे कौरवों के राजा, एक दिन गर्ग मुनि गर्ग पर्वत को छोड़कर ब्रज में गए यमुना में स्नान करने। वन में कुंज में यमुना के किनारे जहाँ पे मंद सुमंद हवा बह रही थी, वृक्षों से और पुष्प लताओं से और नए अंकुरों से, और जहां पर भंवरे पागल हो गए थे फूलों की सुगंध से, वहां पे कुछ गोपियां गर्ग कृष्ण मुनि के सामने झुकी प्रणाम किया, जो कृष्ण और बलराम पर ध्यान लगाए बैठे थे। वो गोपियां जिनका जन्म पहले जो नाग कन्याएं थी पूर्व जन्म में, उन गोपियों ने उनसे पूछा, गर्ग मुनि से पूछा कि उन्हें किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए भगवान बलराम का संग प्राप्त करने के लिए। उनकी भक्ति देखकर गर्ग मुनि ने इन गोपियों को पद्धति, पतल, स्तोत्र, कवच और शास्त्र नाम भगवान बलराम के बताए। और तुम क्या सुनना चाहता हूँ आप पूछो। दुर्योधन बोला, मेरे को पद्धति के बारे में बताइए जिसको उच्चारण करके मैं सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण, आप भक्तों के प्रति स्नेही हैं, गुरुदेव मैं आपके सामने प्रणाम करता हूँ। प्राद्विपक मुनि कहते हैं, और राजाओं में श्रेष्ठ, राजाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम को पास जाने के लिए जो सिद्धांत है उनका श्रवण कीजिए। जब ये कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को फॉलो पालन करता है, भगवान बलराम जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और तीनों लोकों के स्वामी है, और वही जो है 1000 सिर वाले अनंत है। उनको
केवल दान से या तीर्थ यात्रा में जाके प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उनको केवल भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों का संग करके व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति के बारे में जो सत्य उसको सुनता है। और गुरु के बारे में सत्य सुनता है, जो ये सीख जाता है भगवान के प्रति भक्ति का सीख जाता है, वो भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कृष्ण बलराम के और गुरु के सामने प्रणाम करना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को भूमि पर पैर रखना चाहिए। एकांत स्थान में व्यक्ति को जल का स्पर्श करना चाहिए, कुशक घास पर बैठकर उसके हाथों को गोदी में रखकर और नाक पर ध्यान करना चाहिए। उसके बाद भगवान बलराम पर, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनका वर्ण गौर वर्ण है और जो नीले वस्त्रों में सुसज्जित थे, उनका ध्यान करना चाहिए। वन माला पहने, शुद्ध मौन, क्रोध रहित, काम रहित, लोभ रहित और माया रहित व्यक्ति को इस प्रकार से सत्य बोलना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। दिन में 2 बार जल का ग्रहण करना चाहिए और 1 बार केवल खाना चाहिए। इस प्रकार से करना चाहिए भगवान बलराम को प्रसन्न करने के लिए। व्यक्ति को इस प्रकार से सूर्योदय, आफ्टरनून और सूर्यास्त के समय ध्यान करना चाहिए। सिंपल सूती वस्त्र पहनकर भूमि पर सोकर और दूध को छोड़ के बाकी चीजों से फास्टिंग करते हुए व्यक्ति अपने 6 मटेरियल भौतिक शत्रुओं को विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा करने से भगवान बलराम जो हैं, जो परफेक्ट और कंप्लीट पूर्ण संपूर्ण पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, सब कारणों के कारण प्रसन्न होते हैं। शक्तिशाली कौरव राजा, इस प्रकार से मैंने आपको पद्धति भगवान बलराम के बारे में पद्धति बताई, और आप क्या सुनना चाहते हैं? दुर्योधन कहता है, ए साधुओं में सिंह, देवताओं के स्वामी, मुझे पतल भगवान बलराम का पतल बताइए, जिससे क्या है कि मैं हमेशा उनको उनके चरण कमलों को सेवा कर सकूँ। प्रादविक मुनि कहते हैं, आप प्लीज सुनिए, भगवान बलराम के पतल जो व्यक्ति में सिद्धि लाते हैं और जिसको देव ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया था, पहले ओम शब्द पे कंपन करो, फिर काम बीज मंत्र क्लीम करके भगवान का नाम लो, तब कालिंदी भेदन और शंकरशन का नाम लो। ये 2 नाम लेने के बाद स्वाहा करो। ये जो 16 सिलेबल का मंत्र है, ओम क्लीम कालिंदी भेदनया संकर्षण स्वाहा, ये ब्रह्मा जी ने दिया था नारद मुनि को। इसको संकल्प करते हुए ये मंत्र को 1,16,000 बार करना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति परफेक्शन प्राप्त करेगा इस जीवन में और नेक्स्ट जीवन में, इसमें कोई संशय नहीं है। जब उसके बाद जब व्यक्ति ने ये मंत्र चेंट किया है इतनी बार, उसको बड़ी सावधानी के साथ में भगवान बलराम की पूजा करनी चाहिए और मंगलमय भूमि के ऊपर उसको 32 32 जो कमल की पत्ती का चित्र बनाना चाहिए, 5 कलर का, और उसमें बहुत शानदार उसका कमल का केंद्र बनाना चाहिए राजा। उसके बाद वहां पर उसे गोल्डन स्वर्ण का सिंहासन रखना चाहिए और उस सिंहासन पर उसको भगवान बलराम के विग्रह विराजमान करना चाहिए, और उसके बाद में उस बलराम की पूजा करनी चाहिए। ये मंत्र ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय वासुदेवाय संकर्षणाय सहस्त्रपद पदन्याय महन महानंताय स्वाहा, ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
और शिखा को बांध लेना चाहिए। इसके बाद विग्रह के सामने झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए सारी दिशाओं। उसके बाद जय जय आनंद बलभद्र काम पल तालंक कालिंदी भजन अविर्भाव मम सम्मुखो भाव। हे भगवान बलराम, इच्छाओं को पूरा करने वाले हे भगवान बलराम, जो ताल के वृक्ष का ध्वज अपने आप ले जाते हैं। हे भगवान जिसने यमुना को तोड़ दिया 100 धाराओं में, आपको प्रणाम हो। हे भगवान मेरे सामने अपीयर हो, इस प्रकार से उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए बलराम जी को। उसके बाद मंत्र चैंट करके ओम नमस्ते स्तूप शिर पाने हल मूसलधार रहिए ने नीलांबर राम रेवती रमन नमोस्तुते, इस प्रकार से मंत्र करना चाहिए। और उनको सिंहासन पाद्य अर्घ स्नान मधुपर्क पवित्र धागा फूड गारमेंट्स ऑर्नामेंट प्रेग्नेंट फ्लावर और बिना टूटे हुए राइस को कुछ फ्लावर को आरती को दूसरी सेवाएं करनी चाहिए। उसके बाद मंत्र जो है ओम विष्णवे मधुसूदनाय वामनाय त्रिविक्रमाय श्रीधराय ऋषिकेशाय पद्मनाभाय में दामोदराय शंकराय वासुदेवाय प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय रुक्षाय पुरुषोत्तमाय श्री कृष्णाय नमः। ये मंत्र करना चाहिए। और ये मंत्र जो है पाद गुल्म जनुरा कत उदर परशव प्रश्य भुजकंधर नेत्र से समी पृथक पृथक पूज्यति, इस प्रकार से उसको बलराम जी के सारे अंगों का पूजा करना चाहिए। उसके बाद शब्द नमः हर जगह लगा के और हर शब्द को स्कर्क बोल के भगवान बलराम का शंख बजाना चाहिए। मंत्र शंखाय नमः, फिर चक्राय नमः, फिर गदाय नमः, फिर पद्माय नमः, असय नमः तलवार का, धनुषे नमः बाणेभ्य नमः उनके एरो का, उनके हल का, हलाय नमः उनके गदा का, मूसलाय नमः कौस्तव जल कौस्तवाय नमः वनमाला वनमाला वनमालाय नमः श्रीवस्त का श्रीवस्ताय नमः उनके पीले वस्त्र पीताम्बराय नमः नीले वस्त्र नीलाम्बराय नमः बांसुरी वंशियाय नमः स्टिक वेत्राय नमः। रथ जो है गरुड़ के दल से मार्ग गरुड़ांग के रथाय नमः। और रथ जो है जो फ्लैग पे लगा हुआ तालंकाय रथाय नमः। और उसके जो पार्षद है दारुकाय नमः सुमतिय नमः कुमुदनाय नमः कुमुदाक्षाय नमः श्रीदामाय नमः। देन विश्वक्षेन वेदव्यास दुर्गा गणेश ग्रह और जो सारी दिशाओं के रक्षक हैं अपने अपने स्थानों में कमल के अंदर उनको पूजा करनी चाहिए। उसके बाद जल छिड़क कर और मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ व्यक्ति को पवित्र अग्नि की पूजा करनी चाहिए। और फिर जो पहले बताया गया मूल मंत्र ओम क्लीम कालिंदे भेदया नमः संकर्षणाय नमस्सह, इस प्रकार 25,000 बार तर्पण करना चाहिए। इस 12 अक्षरों वाला मंत्र बोलना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 8,000 बार तर्पण करते हैं। चतुर्विराय मंत्र ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय साक्षिणे प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, इस प्रकार से 8,000 बार तर्पण करना चाहिए। फिर पवित्र अग्नि का परिक्रमा करना चाहिए, गुरु के सामने प्रणाम करना चाहिए और उनको पूजा करनी चाहिए और महंगे वस्त्रों की दक्षिणा देनी चाहिए, सोने के आभूषण, तांबे के बर्तन, एक गाय जिसका नया बच्चा हुआ हो और गोल्ड, और ब्राह्मणों की वर्षिप करना चाहिए, भोजन और गिफ्ट दे के और उनके गुरु के सामने प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान बलराम पे ध्यान करते हुए व्यक्ति जो है
इस जीवन में परफेक्शन प्राप्त करता अगले जीवन में। इस प्रकार से मैंने आपको बलराम के इस पद्धति का वर्णन किया जो सारा परफेक्शन देता है। हे राजा, इसके बाद आप और क्या सुनना चाहते हैं? ये इस प्रकार से बलराम जी का पूजा करना चाहिए, बलराम जी को प्रसन्न करना चाहिए। ये पद्धति और पतल है भगवान बलराम का। ये दुर्योधन प्रश्न पूछा उसके उत्तर में उनके गुरु प्रादीप के बता रहे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। श्री गर्ग समिता की जय, श्री गर्ग मुनि की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।